तो हे गाइस, आज हम सीखेंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम न्यू डेबिट कार्ड का पिन कैसे जनरेट करते हैं एटीएम मशीन से। तो चलिए जानते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या कैरी करना है। यानी कि सबसे पहले हमें जो एटीएम मशीन में विजिट करना है, तो पहले नंबर पे हमारा जो नया डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड मिला है उसे लेके जाना है। और दूसरे नंबर पर आता है हमारा फ़ोन, जो कि बैंक के साथ कनेक्टेड, यानी कि बैंक के में जो आप मोबाइल नंबर लिंक किए हैं उसी मोबाइल फ़ोन को लेके जाना है। क्योंकि इसमें जो है एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, यानी कि ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को हमें मशीन में एंटर करना है। और तीसरे नंबर पे सीआईएफ नंबर के लिए हमें अपना पासबुक या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख लीजिएगा। तो हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। जब हम मशीन में जाएंगे तो सबसे पहले ग्रीन स्क्रीन दिख रहा होगा, उस पर जो है अपने कार्ड को स्लॉट में डालना है। जो चिप वाला हिस्सा ये दिख रहा होगा, इसे ऊपर की ओर डालना है और इसे अंदर डालना है। तो सबसे पहले इस तरह का इंटरफेस खुल के हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। इंग्लिश लैंग्वेज चलिए हम चुन लेते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। उसके बाद तीन ऑप्शंस खुलेंगे, आपको फॉरगेट पिन पे क्लिक करना है नया पिन बनाने के लिए। फॉरगेट पिन पे क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, एंटर योर सीआईएफ नंबर। सीआईएफ नंबर के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर सीआईएफ नंबर एंटर करने के बाद कन्फर्म वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे ही कन्फर्म करेंगे तो प्लीज़ वेट योर ट्रांजेक्शन इज प्रोसीड, यानी कि हमारा ट्रांजेक्शन प्रोसेसन ले रहा है। उसके बाद देखिए, मैंने जो कहा था वन टाइम पासवर्ड हमारे फ़ोन पे आ चुका है। इसे एंटर करने के बाद, सिंपली इसे लिखने के बाद एंटर ओटीपी, और ये देखिए योर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन प्रोसीड, ये जो है प्रोसीड ले रहा है कि हमारा ओटीपी वेरीफाई करा। उसके बाद प्लीज़ एंटर योर न्यू पिन, हमें जो है अपना नया पिन बनाने के लिए कहा जा रहा है। जो आपका मर्जी हो, आप 1 से 10 तक का नंबर है, कोई भी 4 पिन एंटर कर दीजिए। उसके बाद जो है सिंपली कोने पे आपको एक एंटर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उसे एंटर कर देना है। योर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन प्रोसीड, ये जो है आपके ट्रांजेक्शन को प्रोसीज कर रहा है। ये देखिए, यू हैव सक्सेसफुली चेंज योर पिन, यानी कि आपका पिन सक्सेसफुली बन चुका है। अब जो है इस तरह का रीडायरेक्ट कर जाएगा अब एटीएम मशीन पे। आप एक बार बैलेंस चेक करके आप अपने पिन को चेक भी कर सकते हैं या कैश विड्रॉ करके। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब।